जय हिंद प्यारे बच्चों। मैनू बहुत खुशी है कि तुसी सारे बच्चे बेटा 6वीं जमात चो पास होके 7वीं जमात च आ गए हो। असी तुहानू इस 9वीं जमात विच आउन ते तुहाडा असी स्वागत करदे हां बेटा जी, आए नू वेलकम। ते बेटा मैं अज तुहाडी 7वीं जमात दी समाजिक विज्ञान दा जिहड़ा पहला तुहाडा पाठ है बेटा वातावरण, ओह लैके हाजिर होया हाँ। और इस वातावरण के पाठ विच असी बेटा बहुत गल्लां करांगे तुहाडे नाल, ते तुसी सारे ने ध्यान नाल सुनना है और अपनी कॉपी ते नोट कर लेना बेटा। ओके, ते ये बेटा जो है इस लैसन नू बनाने दे विच साडा सहयोग दिता है सरदार गुरमेल सिंह सगू जी, जो कि मुक्तसर विखे बेटा अध्यापक वजों सेवावां दे रहे ने। ते मैं तुहाडा विजय गुप्ता बेटा फाजिलका तों, और साढ़े नाल हरकेवल सिंह जी मुक्तसर तो, और मैडम राजविंदर कौर बेटा ये भी मुक्तसर तो इन्हों ने सहयोग दिता है। असी इन्हों का भी धन्यवाद बेटा करते हाँ। चलिए आओ बेटा, वातावरण जिहड़ा शब्द है बेटा तुसी जरूर सुनिया होएगा ते तुहाडे दिमाग च ये बड़े सवाल भी उठ रहे होणगे कि वातावरण तो की भाव है, असी वातावरण किनू कहने हाँ। ओके, ते आ देखो बेटा वातावरण तो जो भाव है ये है साडे आले दुआले तो। ओके, जो साडे बेटा आले दुआले जो वापरदा है असी उन्नू वातावरण कहने हाँ। और ये जरा दिवस है बेटा ये हर साल असी मनाने हाँ 5 जून। ओके, तो ये तुम्हें बेटा पता लग गया कि वातावरण तो भाव साडे आले दुआले तो है। इस दे नाल ही बेटा साडी धरती दे उपर बहुत सारियां कुदरती शक्तियां काम करदियां ने, और जिहदे करके जिहड़ा है साडे जो धरती है बेटा उहदे वक्खरे वक्खरे जगह दे उपर वक्खरा वक्खरा वातावरण हुंदा है, वक्खरा वक्खरा तापमान हुंदा है। ते इहदे करके जिहड़ा है उह साडी जिहड़ी पूरी संसार दे विच वातावरण बेटा उह इक्को जिहा नहीं हुंदा, बदलदा रहिंदा बेटा। ओके, ते हाँ जी आओ तुहानूं मैं बड़ा गल करदा हाँ। सब तो पहले आपां गल करदे हाँ, क्योंकि जिहो जिहा भूगोलिक हालात होणगे बेटा साडा वातावरण मनुखां दे काम धंदे भी इहो जिहे होणगे। हुण देखो अगर आपां रहिंदे हाँ मैदानी इलाके दे विच ते आपां खेतीबाड़ी करांगे, साडे फार्म हाउस होणगे। ओके, ते साडे कोल रुख जंगल वगैरह होणगे। हुण मान लो जेकर जिहड़े कई लोक ने उह रहिंदे हैगे ने समुद्रां दे लागे, तो वह बेटा आपदा जरा है समुद्र के विचों मच्छियां वगैरह फड़ के जरा अपना गुजारा करे। तो इस करके जरा है इन्हों का काम धंधा बदलता रहता है बेटा। और आप सारे ही मनुख जाति जीव जंतु और जोड़े पेड़ पौधे ने बेटा ये वातावरण के उपर निर्भर करते हैं, और जो असी इन्हों के उपर आधारित है बेटा वातावरण के उपर, क्योंकि जो जहाँ वातावरण होगा सानू उस हिसाब नाल ही काम धंधे और जो साडा खाण पीन होगा वो बेटा चलेगा उस तरह। ठीक है, हुण जिस तरह मान लो भी हुण अपने गर्मी आ रही है, वातावरण चेंज हो रहा है, ते आपां जो है हुण जिहड़ियां ने स्वेटर है जर्सियां ने बेटा या शॉल हैगे ने हुण आपां पाने बंद कर दिते ने। सो इस करके जो परिस्थिति है बेटा वो किसे थां दे जीव मंडल अते उत्थों दे भौतिक आले दुआले नूं असी परिस्थिति कहने आ बेटा। ठीक है, ते वातावरण दे ये बेटा जिहड़े अंश ने तुहाडे कोल थल मंडल, वायुमंडल, जीव मंडल अते जल मंडल बेटा। ओके, ये जो है वातावरण दे साडे बेटा चार अंश ने, एक बार फिर सुनो ध्यान नाल। पहला वायुमंडल, चलो पहला आपां करदे हां बेटा थल मंडल, फिर जल मंडल, ते फिर वायुमंडल और जीव मंडल बेटा। ओके, ते आपां कल्ले कल्ले बारे चलिए। ओके, पहला आपां गल करदे बेटा थल मंडल बारे बेटा, क्योंकि तुसी 6वीं जमात पास करके आए हो ते तुहानूं इह तां पता ही होगा कि जिहड़ी साडी धरती दा जिहड़ा थल भाग है उह किन्ना है और जिहड़ा जल भाग है उह किन्ना है। हाँ दसो, जल भाग अपना धरती दे किन्ने प्रतिशत है? हाँ जी हाँ, बहुत अच्छा बेटा शाबाश, 71%। जरा जल भाग है और थल भाग साडे कोल है
29%। ओके जी, ते जो साड़ी बड़ा जो थल मंडल है ना, जो साड़ी धरती है, इहदा जिहड़ा है 3 परतां ने बेटा मेन। आ देखो तुहाडे सामने मैं इहनू जिहड़ा खोल के रखिया धरती नू, जिहड़ी आ उपरली परत है बेटा असीं इहनू कहिंदे आ सियाल, और उस तों जिहड़ी अंदर वाली है इह है सीमा, और जिहड़ी जो बिल्कुल जो अंदरूनी परत है बेटा धरती दी असीं इहनू नाइफ कहिंदे आ। ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਈਫ ਪਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਧਾਤਾਂ ਬੇਟਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਘਲੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨੋ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਮਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਬੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਬੀ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰਦੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੁਛ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਜੀ ਪਰਤ ਦੀ ਜੰਮਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਦੀ, ਹਾਂ ਮਲਾਈ ਦੀ, ਜਿਸ ਮਲਾਈ ਦੀ ਪਰਤ ਬੜਾ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਜੰਮ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਨਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਉਹਦੀ ਪਰਤ ਜੰਮ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਮ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਲ ਪਰਤ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜੋ ਨਾਈਫ ਪਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗਰਮ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੇ ਆਓ ਥਲ ਮੰਡਲ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਬੇਟਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਧਰਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧਰਤੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਹੜੀ ਜੀ, ਸਿਆਲ ਪਰਤ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾਮ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸਿਆਲ ਨੂੰ 2 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਆ SIC ਔਰ AL। ਓਕੇ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਧਾਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿਲੀਕੋਨ, ਔਰ AL ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਆਲ ਪਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਲੀਕੋਨ ਔਰ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸਿਆਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਬੇਟਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਹੋਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਬੇਟਾ। ਜੋ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਸੀਮਾ ਪਰਤ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਲ ਪਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਪਰਤ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੀਮਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਲੀਕੋਨ, ਔਰ MA ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਹੈ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਸਿਲੀਕੋਨ ਅਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਤ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੀਮਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਵੀ ਬੇਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਮ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਨਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨਾਮ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਹੈ ਨਾਈਫ। ਨਾਈਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਤ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਆਪ ਚੱਲੀਏ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਤ ਹੈ ਬੇਟਾ ਅੰਦਰਲੀ, ਇਹ ਨਾਈਫ ਪਰਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਪਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, NI ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਿਕਲ, ਔਰ FE ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੈਰਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਲੋਹਾ। ਨਿਕਲ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾਈਫ ਪਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਅਤੇ ਸਿਆਲ ਅਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਸੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਆਲ ਔਰ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਲ ਪਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੇਟਾ 3 ਭਾਗ ਨੇ, 3 ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ, ਸਿਆਲ, ਸੀਮਾ ਔਰ ਨਾਈਫ। ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ? ਚਲੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਹਲੇ ਬੇਟਾ ਕੁਛ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਬੇਟਾ ਜਲ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਲ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ 71%, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਥਲ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕੇਵਲ 29%। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੋਬ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਬੇਟਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਆਹ ਦੇਖੋ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਗ ਹੈ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟਾ ਆਹ ਬਲੂ ਕਲਰ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਥਲ ਭਾਗ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਬੇਟਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਦਾ,
और आ देखो, ओ आ देखो, सारा जगह पानी पानी पानी। हाँ बेटा, दस दिया, ये जरा है संसार का सब तो वड्डा ते जरा डूंगा महासागर है ना, जिन्हों असि कहने प्रशांत महासागर, ये वो है बेटा। आ देखो सारे पासे पानी पानी, यानी कि साढ़े को बेटा पानी ज्यादा है धरती के ऊपर और जमीन घट है। ठीक है जी, चलो आपा तनु वापस लेके चलना बेटा। हुन है जल चक्कर बेटा, तुम ये तो पता ही है भी जो जल है ये वाष्पीकरण होंदा रहता है सारा। ठीक है ना, देखो ये है अपनी सूरज की रोशनी। सूरज की जी रोशनी है बेटा, जो सूरज है वो पानी नू जी है क्योंकि गर्म करता है बेटा, सारी चीजा गर्म होंदिया ने, और गर्म होके जरा पानी है ये ऊपर जरा है वाष्प बन के बेटा ऊपर चलता रहता है। जब ये चल रहा है ऊपर जाता है, चला जाएगा पानी के बूंदा बेटा, और ये जड़िया है सारियां जो कठिया होके ये बन जाते ने बदल। बदल देखे ना किन्ने प्यारे लगते हैं। ओके, ते जदों बदले तुरदे फिरते रहते ने बेटा, जदों ये बिल्कुल इन्हों की जी कंडेंस सिचुएशन हो जाती है, संघनन क्रिया होंगी है, ये जदों पानी दिया बूंदा नू बेटा संभाल के नहीं रख सकते, तो ये फिर जो है वर्खा के रूप के साढ़े को वापस जरा है। आ देखो पहाड़ों तो होंगे हो या धरती तो होंगे हो बेटा, वापस जरा है समुद्रां दे विच आ जाता है। तो इस जरा है सारे जो असी एक चक्कर नू कहने हाँ जल चक्कर। ओके जी, तो ये तुसी पहला भी छोटी जमात पढ़िया होगा। तो हुण आ जाओ आपां गल करदे हां बेटा, अपना देखो थल मंडल हो गया, जल मंडल हो गया, हुण आपां गल करदे हां वायुमंडल दी। वायुमंडल तुहानू बेटा मैं दसा, आपां तुहानू वापस मैं एक धरती दिखा रहा राजा। आ देखो ये है साडी धरती, साडी धरती दे आले दुआले ना एक पूरा हवा का गिलाफ चढ़िया होया है, जिवें अपने घर च रजाई होंगी है, तो रजाई के उपर आपां को चढ़ाए ना गिलाफ जा, ताकि जिहड़ी साडी रजाई मैली ना होवे, सेम उसे तरह है। आ देखो तुम्हें मैं इनका गिलाफ ना उतार के दिखाना बेटा। ओके, तो तुसी हैरान रह जाओगे भी आए। आ देखो हुन इस साडी धरती ते जिहड़ा है वायुमंडल नहीं हैगा, तो जो वायुमंडल नहीं होगा फिर आप रहेंगे किवें? तुसी तुहानू इह तां पता ही बेटा कि सूरज परिवार के विच 8 ग्रह ने, और 8 ग्रहों के विच इको एक जिहड़ी अपना ग्रह है धरती, उहदे उपर ही तां जिहड़ा है ये साडा वायुमंडल है बेटा। तो आप दोबारा लियाइए, आ देखो आ गया ना, हाँ यस। ओके, ये है जरा साडा वायुमंडल बेटा, और धरती दे दुआले जो साडा वायुमंडल है बेटा वो 1600 किलोमीटर तक फैलिया हुआ है। ये तुम याद रखना है, किन्ने किलोमीटर? 1600 किलोमीटर तक। ओके, फैलिया 1600 किलोमीटर तक होया है, लेकिन जो साडी हवा है मोस्टली 99% बेटा वो साढ़े 32 किलोमीटर के घेरे में ही है। ओके, अगर जो आप सीधा जावे उपर वायुमंडल के तो 32 किलोमीटर तक तो अभी सही सलामत जा सकते हाँ, पर उस तो बाद जो है सानू साढ़े पेट के पिछे जड़े ने सिलेंडर लगाने पैणगे, हाँ तो आप उपर जा सकते हैं बेटा। ये देखो जी साड़ी बेटा जो सारी धरती का वायुमंडल दियाँ वक् वक् बेटा परत है ने, ये भी आप गल करांगे। और आ अपना है बेटा जीव मंडल। ओके, जीव मंडल जड़ा है आ अपना ये थल मंडल बेटा, आ सारा जड़ा थल मंडल है, ये जल मंडल, और आ अपना वायुमंडल। ठीक है जी, तो तिना दे मेल तो बेटा ये बनता है जीव मंडल, और जीव मंडल दे विच सारे बेटा प्राणी जीव जंतु पेड़ पौधे आपां मनुख जाति भी सारे जड़े ने इस जीव मंडल दे विच ही आउंदे ने बेटा, और जीव मंडल जिहड़ी दी उत्पत्ति है ये तिना मंडलां दे सुमेल दे नाल बेटा हुंदी है। ओके जी, आ है साडा मनुखी वातावरण बेटा। देखो क्योंकि मनुख ने आप दे फायदे पिछे आप दी जिहड़ी है रहन सहन पिछे एक सारे जंगल साफ करते, आ देखो किन्ना टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है बेटा। ओके, ते ओदे विच जिहड़ा है हुण पूरा संसार एक ग्लोबल पिंड बन के रह गया है। ते अगले पार्ट दे विच बेटा मैं तुहाडे कोलों क्वेश्चन पूछूंगा, ते तुसी तैयार रहना। ओके बाय, थैंक यू, बाय, टाटा।
जय हिंद प्यारे बच्चों, अज तुहाडी 7वीं जमात दे समाजिक विज्ञान दे पहले लैसन दे बेटा दूसरे अते अंतिम पाठ दे विच स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, कल आपां तुहाडे नाल वातावरण दे बारे गल कीती सी कि वातावरण दे विच किन्ने अंश ने और जल मंडल, थल मंडल, वायुमंडल, जीव मंडल। वायुमंडल बारे बेटा आप गल की सी, ये तुसी देख रहे हो कि किस तरह मनुख ने वातावरण नू बदलन दे विच अपना जिहड़ा है रोल निभाया। बेटा मनुख ने अपनी जरूरतां वास्ते किस तरह जंगलों की सफाई की और सारा जिहड़ा है तकनीकी काम दे नाल एक जिहड़ा पूरा संसार है, जो पूरी दुनिया बेटा ये एडी छोटी हो गई है कि असी इस नू एक ग्लोबल पिंड कहना शुरू कर दिता बेटा। ओके ते एक प्यारे विद्यार्थी हो, मैं तुहानू एक ये भी गल दसना चाहुंदा है कि जो अपने ये मंडल हैगे बेटा, जिदे विच अपना थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, ठीक है, ते इन्हां तिन्हां मंडलों दे विच जो सब तो ज़्यादा उथल पुथल या अदला बदली हुंदी है ना, वो तुसी सोच के दसो भी किस मंडल दे विच ज़्यादा हुंदी है। जेकर मैं गल करां थल मंडल दी, तां थल मंडल दे विच बेटा बहुत ज़्यादा अदला बदली नहीं हुंदी। हाँ ये ठीक है कि जिस तरह कदे मान लो भूचाल आ गया बेटा, ओके, या कोई अपरदन दे कारक ने, तो ये अदला बदली होने लग गया बेटा, ये थोड़ा स्लो प्रोसैस है, बहुत लंबा समा लगता है। और जल मंडल दे विच भी बेटा बहुत ज़्यादा अदला बदली नहीं हुंदी, लेकिन जिहड़ा अपना वायुमंडल है ना, उहदे विच तुसी देखिया है कि आपनूं पता ही नहीं चलता, कदे तां हनेरी आ जाती है, कदे बारिश, कदे गर्मी, कदे सर्दी, कदे तापमान बढ़ गया, कदे घट गया। तो कहन दा मतलब कि वायुमंडल दे विच सब तो ज़्यादा अदला बदली हुंदी है। तो आओ बेटा आपां हुण जो है ये जो समा है तुहाडी जानकारी लैण दा कि आपां देखदे हैगे हाँ किस तरह जो है तुसी किवें कर सकदे हैगे जे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 बेटा ये है कि मैं धरती की सब तो उपरली परत हाँ। ओके, आज देखो सारे ध्यान नाल, मैं धरती की सब तो उपरली परत हाँ, मेरे अंदर सिलीकोन अते एलूमीनियम तत् सब तो ज़्यादा हैं, मेरा नाम क्या है। आ दो ने बेटा, एक जरा है सिलीकोन और एक एलूमीनियम, ये धरती की जी सब तो उपरली परत है। कल अपनी गल हुई सी बेटा कि दोनों तत्तों को मिला के तुसी नाम बोलो जल्दी नाल, सिलीकोन ते एलूमीनियम है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही बेटा, सियाल, असी जरा नूं ऐ लिखते हाँ सियाल, दोनों नूं मिला के। ओके यस, आ जी है धरती की सब तो बेटा उपरली परत सियाल। ओके अगे देखो, अगला जरा बेटा क्वेश्चन है, मैं तिना मंडलों के मेल नाल होंद विच आउंदा हाँ, ते मैनू की कहा जाता है। जिहड़े तीन मंडल बेटा अपनी कल गल हुई सी कि थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, तिना दे मेल नाल जो मंडल होंद विच आउंदा है बेटा, असी उन्हूं कहने हाँ। हाँ बहुत अच्छे बच्चे, शाबाश बेटा, वेरी नाइस, जीव मंडल। ओके, उहदा जिहड़ा नाम है मंडल दा जीव मंडल। ओके चलिए नैक्सट देखो। हाँ जी सारे बच्चे बेटा नोट करते हैं अपनी अपनी कॉपी से, वायुमंडल दी 99% हवा किन्ने किलोमीटर तक दे घेरे विच है। कल जो तुम सारी दुनिया घुमाई सी ना, तुम दस्या सी कि वैसे तो यह 1600 किलोमीटर तक फैलिया हुआ साडा वायुमंडल, पर जिहड़ी हवा है बेटा वो आओ पिछे बच्चा बेटा खत खड़ा कर रहा। हाँ जी शाबाश, किन्नी बेटा? हाँ जी शाबाश, यस हाँ 32 किलोमीटर, बिल्कुल वेरी नाइस बेटा, 32 किलोमीटर दे घेरे में जी है साड़ी मोस्टली हवा है। ते अगे है वातावरण नूं किन्ने मंडलों में वंडिया होया है, अपनी मैं हुणे बेटा गल की है, कल भी अपनी गल हुई सी, साढ़े को ले 4 मंडल ने, पता ना बेटा 4 मंडल, थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, ते इन्हां नूं मिला के बनिया जीव मंडल। तो ये जरा साडा वातावरण दे बेटा अंश हैगे ने सारे।
और धरती दी सतह का किन्ने प्रतिशत भाग पानी ने घिरिया होया है। आज तक थोड़े वास्ते बड़ा क्वेश्चन आसान है, तुसी सारे बच्चे ने चंगी तरह इन पढ़िया होया है बेटा। ओके हाँ जी बोलो किन्ना, 29%? नहीं ना, हाँ एक बटा सही नहीं है। हाँ जी बिल्कुल सही जवाब, बहुत सारे बच्चों के हाथ कड़े ने बेटा, शाबाश। तां साडा जो है 71% जरा पा गया बेटा, ये पानी ने घेरिया हो जाए। चलिए हुण अगे बेटा तुसी तैयार रहो, आपां हुण मिलाना जे, ये बेचारे उल्टा पुल्टा होए पे ने, आपां इन्हां नूं सीधा राह दिखाना है। पहला है सिलीकान अते मैगनीशियम, ठीक है जी, सिलीकान अते मैगनीशियम। ते हुण तुसी मैनूं दसो भी ये इनू मिला के आपां की बनाईए। सिलीकान दा CI ते MA ये बन गया अपना। हाँ वो बच्चा बोल गया, शाबाश, बहुत अच्छा बेटा। ते इनू मैं लै जाना जी, सिलीकॉन ते मैगनीशियम मिलके बनिया ये आसीमा। ओके जी बहुत अच्छा बेटा, शाबाश। ते अजकल जो है बेटा असी सारे जो संसार है, जो सारी दुनिया है, ठीक है, उन्होंने असी कहने एक ग्लोबल पिंड। हाँ जी क्योंकि आप जिम्मे सारे पिंडा च रहने ना, तो पूरी दुनिया भी बेटा एक ग्लोबल पिंड है। किसी भी जो है जगह की जानकारी सानू बड़े आराम नाल जी है वो मिल जाती है, मिनटा सकिंटा दे विच ही बेटा, ड्यू टू टेक्नोलॉजी, ड्यू टू इंटरनेट बेटा। चलिए अगे आप चलते हैं। हुण तुसी मैनू दसो कि जिहड़ी सियाल परत है, इस सियाल, हाँ जी इहनू हम कित्थे लैके जावां, वायुमंडल सब तो उपरली परत। हाँ बच्चे बहुत सारे जवाब दे रहे ने, ये जो है सियाल साडी सब तो उपरली परत है बेटा। गुड, तो तुसी सारे ने बेटा ये नाल करदा काम भी करना है। ओके हाँ जी, हवाई गिलाफ, तुहानू मैं कल दिखाया सी कि जिहड़ी साडी धरती है उहदे चारे पासे जिहड़ा चढ़िया होया हवा दा गिलाफ, और ऐसे जो असी हवा दे गिलाफ नूं ही कहने आ। हाँ जी बिल्कुल सही बेटा, वायुमंडल, ठीक है, हवा दे गिलाफ नूं असी वायुमंडल कहने आ। ते हुण जिहड़ा जीव मंडल बेटा बचिया, ते ये तां फिर तुसी दस ही दिओगे बड़े आराम नाल, क्योंकि एक ही बच गया, एक उहदे नूं बचे है। तां तिन्नां मंडलां दे सुमेल नूं असी कहने आ जीव मंडल बेटा। ओके तो ये थोड़ा सही मिलान तुसी एवें बेटा याद भी करना है। ओके जी चलिए हुण आप चलते हाँ, बस तुसी दसना है भी सही है कि गलत है, तुसी मैनू जिवें दसते जाओगे मैं उवें बेटा टिक करता जाऊंगा। ओके ते हाँ जी एक एक आप करके बेटा चलते हाँ। पहला जिहड़ा मेरा क्वेश्चन है, वातावरण विच पानी, भूमि, पेड़ ते पौधे होंदे ने, ये तुसी मैनू ये दसना है भी ये सही है कि गलत है। हाँ जी पेड़ और पौधे, हाँ बच्चे बहुत सारे बच्चों ने हाथ खड़े ने, ये अपना जरा जवाब है बेटा बिल्कुल सही जवाब। अगे है वातावरण दे जल मंडल विच सब तो ज्यादा अदला बदली होंगी है। हाँ बच्चा ने सिर हिलाना शुरू करता भी ये तो सर जल मंडल थोड़ी होंगी है, ये तो होंगी है वायुमंडल दे विच, इस करके अपना ये जरा जवाब है गलत है। ते अपरदन एक धीमी गति नाल होने वाली प्रक्रिया है, हाँ बेटा ये बिल्कुल सही जवाब है, अपनी गल हुई है। ते किसे थां दे जीव मंडल अते उत्थों दे भौतिक आले दुआले नूं आपां कहने आ परिस्थिति। हाँ जी ठीक है बेटा बिल्कुल सही सही जवाब है, और जिहड़ी सिंध घाटी जिहड़ी सभ्यता है बेटा ये संसार दियां सब तो जिहड़ियां ने पुरानी सभ्यतावां विच्चों एक हैगी है, ये भी गल जिहड़ी बिल्कुल सही है। ओके ते इहदे विच यानी कि आपां नूं एक अपना जिहड़ा जवाब है ये गलत है, बाकी सारे सही ने। ते मैनूं पूरी उम्मीद है कि तुहानूं बेटा ये समझ आ गई होएगी। चलिए होर तुहानूं मैं अज बढ़िया इंट्रस्टिंग वे दे नाल बेटा चीज़ां लैके आया तुहाडे वास्ते मैं, ते बस तुसी आपदी कापी पेन नोट कापी पेन खोल के ना ते नोट कर दे जाना बेटा। ते तुहानूं ना मैं सच एक गल होर भी दसनी है बेटा, अपने सिक्ख्या विभाग ने जो अपने घरे लगी होंगे ना केबल फास्ट वे बेटा, ते उहदे उपर एक टीवी चैनल चालू करता है, और उहदा नाम है अपने TV स्कूल, ते चैनल नंबर है बेटा उहदा 279।
279 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੈਥਸ ਦੇ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰ ਬੇਟਾ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ, ਡੇਰੀ ਫਾਰਮ, ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨਾ। ਹਾਂ, ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਸਰ ਮੱਛੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੱਛੀਆਂ ਹੀ ਪਕੜਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੀਏ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਚੱਲਦਾ ਬੇਟਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਭਰਵੀਂ ਗਰਮੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਯੈਸ ਯੈਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਬੇਟਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਿਵਸ। ਅਤੇ ਦੱਸੋ ਭਲਾ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ? ਅੱਛਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਐਂ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਅਤੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੀਏ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ? ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਤੇ ਆਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਚਿੰਪਾਜੀ ਵਗੈਰਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਬੇਟਾ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਜੋ ਹੈ ਆਪਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਟਾ, ਆਪਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹੈ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦੇਖੋ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਚਾਰ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਸਮਤਾਪ ਮੰਡਲ, ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਡਲ, ਤਾਪ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਸਮਵਰਤੀ ਮੰਡਲ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ, ਹਨੇਰੀ, ਝੱਖੜ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਚਮਕਣਾ, ਗਰਜਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਬੇਟਾ, ਅਸ਼ਾਂਤ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਸ਼ਾਂਤ ਮੰਡਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬੇਟਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੀਏ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕਿਸ ਪਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਸਿਆਲ, ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਨਾਈਫ। ਵਾਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬੇਟਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿੱਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾਈਫ, ਨਿੱਕਲ ਅਤੇ ਲੋਹਾ ਬੇਟਾ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਈਫ ਸਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮੰਡਲ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚਾਰ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਅੰਸ਼, ਵਾਯੂਮੰਡਲ, ਥਲ ਮੰਡਲ, ਜਲ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਜੀਵ ਮੰਡਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਦੀ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਗੈਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬੇਟਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, 78.03%। ਫਿਰ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੈ, ਹੋਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਥਲ ਮੰਡਲ 29% ਹੈ ਅਤੇ ਜਲ ਮੰਡਲ 71%। ਓਕੇ ਬੇਟਾ,
ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਜਲਦੀ। ਓਕੇ, ਬਾਏ।